अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का हमारा लेक्चर है कि रिड्यूस इज ए पी एन आर, यानी कि पी एन आर में कुछ डिलीट करना हो तो हम किस तरह डिलीट करेंगे। ठीक है, इसके मेरे पास एक पी एन आर है, वही जमाल वाला पी एन आर है मेरे पास, वही हम इधर फिर मैं दोबारा वही ओपन करता हूँ। इस पर नेम की ये AMALE, जिसमें एक चाइल्ड था, एक इन्फेंट था और एक अडल्ट है। ठीक है, इसमें हम मज़ीद कोई नाम एंटर करना हो तो वो किस तरह एंटर करेंगे। नेम की फर्ज़ कर मैं नाम करता हूँ AFAN/ERVIZ Mr। ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्लासेस नहीं पकड़ी, डिस्प्ले एन करूँगा। ठीक है, ये को फोन नाम भी ऐड हो गया हुआ है। ठीक है, डिस्प्ले अल्फ़ा करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें फोन नाम ऐड हो गए हुए हैं। अब हमने फोर नाम ऐड किए हैं, जिसमें एक चाइल्ड है, एक एडल्ट है, एक एक इन्फेंट है। तो इसमें हम अब थ्री सीट्स पकड़ेंगे, क्योंकि चाइल्ड इन्फेंट की सीट नहीं होती। ठीक है, इसको भी बुकिंग करने के लिए तो मैं भी बुकिंग किस तरह करूँगा। फर्ज़ करता हूँ हमने जाना है 1/25 अक्टूबर लाहौर से जद्दा, चेंज की SV सऊदी लंदन पे चलते हैं। ठीक है, इसमें सीट्स मौजूद हैं लाहौर से जद्दा के लिए, सऊदी लंदन के लिए। तो मैं इसके देखता हूँ सबसे लोएस्ट सीट कौन सी है। FQ लाहौर से JD, नेम की SV। तो लोएस्ट सीट टोमी है, टोमी नहीं तो फिर आप क्वीन पकड़ सकते हैं इस सेक्टर के लिए। ठीक है, टोमी में है सीट्स। तो हमने बताया था आपको कितनी सीट्स पकड़नी है हमने, क्योंकि फोर पैक्स है, इनके पैक्स पैसेंजर हैं, उसमें से तीन, ठीक है, दो अडल्ट हैं, एक चाइल्ड है। तो हमने 03 सीट्स पकड़नी है, टोमी वन कर लेना है, यानी कि टोमी लाइन नंबर वन से आपने उठा लो। ठीक है, अगर हमने दूसरी लाइन से उठाना तो टोमी टू कर लेना, थ्री से फोर से वो आपको पता ही है हम किस तरह शुरू के लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, डिस्प्ले अल्फा कर लें। ठीक है, 70 नेम की ओके कर ले। ठीक है, 6M या इधर वो चाइल्ड एंड फ्रेंड की डिटेल दोबारा पूछेगा, क्योंकि हमने सेक्टर नहीं डाले हैं इसलिए। तो चाइल्ड कितने साल का, हम कर देंगे तकरीबन 2006 से, तो भी डेट डाल दो। ठीक है, और सेगमेंट पूछता है वापसी सेगमेंट के लिए चाइल्ड कितने का होगा, 12 डाल देते हैं, 2 ईयर का। ठीक है, 10 सेंडर नेम डिटेल सेंड कर देते हैं। ठीक है, ईयर करूँगा। पूछे पैक्स का नंबर कौन सा है, चाइल्ड का नंबर है 2.1। ठीक है, उधर हमने पहले नंबर नहीं था डाला इसलिए। डिस्प्ले फा कर लेता हूँ, 6M करूँगा, ER करूँगा, यह करूँगा। ठीक है, ओहो कहता सीट ही नहीं है इसके अंदर, ये हमसे गलती हुई है, सीट कैसे निकल गई। हम दोबारा वो सीट चेक करते हैं कहाँ गई सीट। ओहो वो कहता नाम तीन है, चौथा नाम आपने ऐड ही किया है, नेम की AFAN। डिस्प्ले अल्फा करूँगा मैं दोबारा। ठीक है, 6M करूँगा, ER करूँगा, IR। ठीक है, वो कह रहे इसमें आप नेम भी ऐड कर सकते। ठीक
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम नाम बाद में भी ऐड कर लेंगे। इसको मैं पहले सीट पकड़ लूँ, हम रिड्यूस ही कर सकते हैं पीएनआर में, वो मैं चेक कर लूँ क्या वजह हुई है। 02 टोमी 1 डिस्प्ले अल्फा वाटर पीटर करूँगा, ठीक है इसका फेयर आ जाएगा। ठीक है दोनों का फेयर दे दिया क्योंकि पीएनआर बना हुआ था इसलिए ये दोनों का दे दिया। मोक डाउन करूँगा तो इन्फेंट का फेयर भी आ जाएगा, ठीक है इन्फेंट का भी आ गया। डिस्प्ले अल्फा करूँगा, 6M करूँगा, ER करूँगा, ER करने हो ER करने से उसका वो पूछेगा कि हमसे डिटेल दोबारा पूछेगा तो हम दोबारा दे देंगे। ठीक है चाइल्ड का नंबर क्या था, 2.1, ठीक है ये देख लेना चाइल्ड का नंबर क्या है। ठीक है कोई भी डेट डाल देते हैं, हॉल सेगमेंट्स ठीक है। ये देखें अब हमारी फ्लैट डल गई, 2 आ गया। ठीक है इसमें से अब हमने क्या करना है, रिड्यूसिस पीएनआर करके देखना है। तो वो किस तरह करेंगे, फर्स्ट करें मैं चाहता हूँ कि ये नाम डिलीट हो जाए, ठीक है तो मैं इसको डिलीट किस तरह करूँगा, इन्फेंट के नाम को नेम की 1.1 चेंज किया, अगर इसमें से कोई चेंज ही करनी हो तो ठीक है, क्योंकि इन्फेंट का नाम डिलीट कर सकते हैं हम पीएनआर बनाने के बाद क्योंकि इसकी सीट नहीं होती, ठीक है बाकी नाम हम डिलीट नहीं कर सकते। ओहो आइया करूँगा, 1.1 नहीं करना था हमने, और साथ ही कह दिया कि सुर नेम नॉट चेंज अलाउड फॉर रिस्ट्रिक्टेड फेयर सेगमेंट्स, ठीक है अब मैं क्या करूँगा नेम की 3.1 चेंज की, बाकी मैं एंटर करूँगा, ठीक है 6M करूँगा, ER करूँगा, IR करूँगा। आपने देखा कि इन्फेंट का नाम डिलीट हो गया इसमें से, ठीक है इससे हम पीएनआर को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है और इसमें से मज़ीद हम ये अपनी SSR एंट्री भी ख़त्म कर सकते हैं, ये बताया था इसको 3.1 से लेके मैं चाहता हूँ 9 तक ख़त्म हो जाए, नेम की 9 चेंज की। सिक्सम करूँगा, ER करूँगा, ये सारी एंट्री मैं डिलीट कर रहा हूँ इसलिए वो पूछ रहा है हमसे। ईआर करूँगा, ईआर करूँगा, आपने देखा हमारे जनरल इफेक्ट्स में सब खत्म हो गए थे, उसने चाइल्ड का नाम पूछ लिया, ठीक है ये नहीं हम डिलीट कर सकते थे इसलिए, ठीक है जनरल इफेक्ट्स भी डिलीट हो गए, इसलिए P3 करूँगा मैं, वो डिस्प्ले P3 हमारे ये जनरल इफेक्ट्स में आ गया कि इस नाम का ये हमारी डिटेल मौजूद है। IR करूँगा, ठीक है इसके अंदर मैंने फर्ज का कोई मेल ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा 3MOML, ठीक है वो पूछ रहा है ये किसके लिए मेल है, नेम की 1.1 के लिए, 6M करूँगा, ER करूँगा, IR करूँगा, तो ये मेल ऐड हो गया। ठीक है मैं डिस्प्ले P3 करूँगा तो वो बता देगा कि ये कौन कौन सी हमारी मील ऐड हुआ है या नहीं, ठीक है वो कहते हैं रिड्यूस ये मील ऐड नहीं किया गया।